इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने फजर की सुन्नत रह जाए या फिर कोई वक्त को कम समझ के फजर की सुन्नतें भी पढ़ ले और फ़र्ज़ भी पढ़ ले और सुन्नतें छोड़ दे और फ़र्ज़ पढ़ ले और उसकी सुन्नत रह जाए, तो ऐसी सूरत में क्या फ़र्ज़ की नमाज़ के फ़ौरन बाद फजर की सुन्नतें पढ़ सकते हैं? खातून की तरफ से मसला है, जैसे कि होता है कि अक्सर देर से उठते हैं तो ये गुमान होता है कि शायद वक्त कम है, सुन्नतें छोड़ो फ़र्ज़ पढ़ लो, और जब बंदा या बंदी फ़र्ज़ पढ़ चुके तो उसको गुमान होता है कि अभी टाइम है शायद 2 मिनट का और फ़र्ज़ जल्दी हो गए तो सुन्नतें भी पढ़ सकते थे, क्या करना चाहिए? या फिर ऐसा है कि मस्जिद के अंदर कोई शख्स गया और सुन्नतें छोड़ के फ़र्ज़ में शामिल हो गया, बाद फ़र्ज़ अभी वक्त है तो सुन्नतें पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो फजर की सुन्नतों का हुक्म ये है कि उसका जो असल महल है वो सुन्नतें जो है ना फजर के फ़र्ज़ से पहले ही उसका जो है वो वक्त है, तो अगर किसी से वो फौत हो जाए तो फजर के फौरन बाद उसको नहीं पढ़ सकता। इसी तरीके से मर्द हो या औरत, यानी मस्जिद में भी नहीं और घर में ख़वातीन भी नहीं, तो अगर किसी की भूल से सुन्नत रह गई इस गुमान में कि टाइम कम है और फ़र्ज़ पढ़ बैठा तो अब सुन्नत नहीं पड़ेगा। इसी तरह कोई जमात में शामिल होने के एतबार से किसी की सुन्नत छूटी तो भी फ़र्ज़ के बाद उसको नहीं पढ़ सकता। अब ये कि सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद, यानी जब सूरज निकलता है उसके 20 मिनट के बाद, यानी एक अंदाज़ा अगर इसका नहीं होता तो आप ये समझ लें कि 7:30 बजे से लेकर और 11 बजे के बीच में सुबह में इसको जब चाहें पढ़ सकते हैं, और ये 7 से 11 का जो वक्त है, 7, 8 से 10, 11 के बीच, ये पूरे इंडिया में कहीं भी आसानी से यानी इसमें पढ़ी जा सकती है। तो ये वक्त ऐसा होता है कि सूरज इसमें निकल चुका होता है, तो इसका जो असल मकाम था वो यही था कि फजर के फ़र्ज़ से पहले पढ़ी जाए, अगर ये वहाँ फौत हो जाए तो बाद में इसको 20 मिनट के बाद पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, और ये बाद में पढ़ना भी अब ज़रूरी नहीं है, यानी अब ये सुन्नत तो बाकी नहीं रही क्योंकि ये मुस्तहब हो जाएंगी, अब ये इसके अख्तियार में है, अगर ये पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है और ना पढ़ना चाहे तो अब इसकी कज़ा हो गई, लेकिन इसको वो सुन्नत का सवाब पढ़ने के बाद भी नहीं मिलेगा जो फ़र्ज़ के पहले पढ़ने से मिलना था। तो लिहाजा फ़र्ज़ की सुन्नतें फौरन फजर के बाद नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि फजर के वक्त जाने के आधे घंटे के बाद ही पढ़नी चाहिए। पत्थर में हसन लाले पुरनवार।